खा ले बेटे, खा ले खा ले। क्या कर दिया सारे में, पूरे डिब्बे उब्बे खोल, मुझे पता भी नहीं चला वो बंदर कब में आए कब में चले गए। और मैं अपना यहाँ आराम से इस वाले सोफे पे बैठ के ब्लॉग शूट कर रहा था। यहाँ पे मूंगफली रखी हुई थी और यहाँ पे केले रखे हुए थे। वेलकम बैक विद एन अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। वी आर, टाइम हो रहा है 2:45 और अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं अपने किचन में। सबसे पहले तो पियेंगे हम एक गिलास पानी, क्योंकि भाई पानी सेहत के लिए सबसे बेस्ट है और पानी जरूर पिया करो। पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, उमस हो रही है, बारिश वाला टाइम चल रहा है, बारिश का पानी तो आप पियोगे नहीं, सो इसलिए एक गिलास पानी जरूर पी लिया करो, क्योंकि बारिश वाला टाइम चल रहा है, काफ़ी उमस हो रही है, सो डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं, सो इसलिए पानी जरूर पी लिया करो। तो भाई हम काफ़ी देर पहले उठ गए थे, अभी नहीं, अभी शाम के 2:45 और हैं। उठ तो हम सुबह गए थे, काफ़ी देर से बारिश हो रही थी बाहर, रुको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पीछे का कुछ भी ऐसा इस तरह व्यू आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है पहले के मुकाबले। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, सो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया पहले के मुकाबले। अब ये फ़ैन की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है यार। और अभी हम आ चुके हैं वापस से अपने किचन में, क्योंकि अभी अरे मैं बनाना उठा रहा था, अभी हम बनाएंगे पनीर। ये हमारा पैन है जिसके अंदर ऑयल रखा हुआ है, सो बट अभी टूट जाता मेरे से, सो स्टार्ट करते हैं भाई प्रोसेस, बनाते हैं पनीर। आपको बता दूंगा मैं पनीर में क्या क्या डालता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डालता, प्याज टमाटर और ये प्याज टमाटर भी लेने जाऊँगा, हल्दी वल्दी छोंक वोंक लगा के अच्छे से पनीर बना देंगे। पर हाँ एक चीज़ बताऊँ, मैं सरसों का तेल यूज़ नहीं करता या मैं कोई रिफाइंड यूज़ नहीं करता, मैं प्रॉपर ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, जियोली का, मतलब जियोली वाई जो भी कह लो, जियोली कह लो, जियोलीली कह लो, कुछ भी कह लो, मैं इसका ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, जो कि ऑलिव ऑयल काफ़ी बेस्ट होता है और ऑलिव ऑयल में ज़्यादा फैट नहीं होते। बस कुल मिला के ये ऑलिव ऑयल यूज़ किया करो, मैं कोई एक्स्ट्रा डालडा रिफाइंड वगैरह यूज़ किया करो, ऑलिव ऑयल यूज़ किया करो। थोड़ा बहुत महंगा होता है पर कोई दिक्कत नहीं यार, अपनी सेहत के लिए थोड़े बहुत खर्च करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना भाई पनीर बनाना प्रोसेस। काफ़ी हद तक बन चुका है, सो अभी इसे मतलब प्लेट में डालते हैं और खाते हैं। सो भाई मैं थोड़ी देर बाहर चला गया था, भाई ने अपना खा लिया, सो हम अपना खा लेते हैं अब, और रोटी भी है इसके अंदर, सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई ये भी आ चुका है अपना खाना, सो मैं आपको बताता हूँ खा के कि मतलब ये पनीर कैसा बना है। सो भाई अभी हमें अपना बनाया हुआ पनीर खा लिया है, हमें काफी अच्छा लगा खाने में, क्योंकि हमने वो खुद से बनाया था और इंसान को अपने खुद से बनाई हुई चीजें खाने में पीने में या खरीदने में अच्छी ही लगती हैं। और वो दूसरे इंसान से हमेशा उन चीज़ों के बारे में पूछता है, यार तुझे अच्छी लगी, मुझे तो बेकार लग रही है, बट वो उस इंसान को अच्छी लग रही होती है। वो एग्जैक्टली यही होता है, कपड़ों में देख लो, कपड़े पहनने आ जाएगा, उसको खुद अच्छा लग रहा है पहनने में, पर वो पूछता है यार बेकार लग रही है ना, क्योंकि लोगों को अपने से ज़्यादा मतलब दूसरे इंसान से होता है और इंसान को अपने से मतलब होना चाहिए। भाई मैं बाहर वाले रूम में बैठा हुआ था, ये पता नहीं अंदर आ केले ले गए और मूँगफली का पैकेट ले गए। खाले बेटे, खाले खाले बेटे, गया तू आज, आ रहा हूँ मैं अभी। भाई यहाँ पे मूंगफली रखी हुई थी, इधर मूंगफली और यहाँ पर केले रखे हुए थे, और ये बंदर ले गए केले उठा के, भी बताता हूँ इन्हें। सो भाई ये करा है, ये सब कुछ जो गंदगी है, केले खाए हैं, ये खाए हैं उसने, सामने बंदर बैठा हुआ है। बेटे हेलो, निकल भाग जा। अच्छा बेटे मत आ जाओ, नहीं मारूंगा।
मैं पता नहीं यार हद्दी कर रखी। अभी हमारे घर में बंदर आ गए थे मम्मी, पता है क्या? पता नहीं आप अभी बंदर आ गए थे बच्चा, और वो पता नहीं बंदर हमारे घर में अंदर आ गए, केले का विवेक के छह केले लेकर आया था ना, विवेक के छह केले ले लिए, और मूंगफली थी, मूंगफली वो पन्नी ऊपर रखी थी, पूरी पन्नी ले गया। अरे अब तो हो सारे बंदर कट रहे, सारे डिब्बे भी बिखरे, सब डिब्बे खोल दिए थे अभी। हाँ अभी अभी मैंने गेट बंद कर दिया। बताओ यार ये क्या कर दिया सारे में, पूरे डिब्बे उब्बे खोल के बिखेर दिए। वो शिल्पा की शर्ट है, वो मतलब टी शर्ट है उसकी बेचारी की, ऐसी की तैसी कर दी, पूरा गंदा कर गए। पर हाँ भाई अब कर भी क्या सकते हैं, बंदर हैं भाई हमारे, ऐसा बोलते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज थे, मतलब पहले ज़माने में इंसान बंदर थे, तो भाई वो चीज़ तो देखो अब झेलनी पड़ेगी। और जानवर कहीं भेज भी नहीं सकते भाई बार, वरना फिर वही बात आ जाएगी, लोग बोलते हैं तुझे भेज दें वहाँ पे, तो बंदर को पकड़ रहा है तुझे पकड़ के ले जाए, तो वही चीज़ होती है। सो कोई दिक्कत नहीं, अब जैसा हुआ हुआ, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, अपने पीछे वाले गेट ही कुंडी बंद रखेंगे। अभी तक बंद नहीं करी भाई, दोबारा बंद करो। यहाँ पे केले रखे थे, यहाँ पे मूंगफली का पैकेट रखा था, और मुझे पता भी नहीं चला वो बंदर कब में आए कब में चले गए, और मैं अपना यहाँ आराम से इस वाले सोफे पे बैठ के ब्लॉग शूट कर रहा था, पता नहीं कब कब में आए कब कब में ले गए, केले उठा के यहाँ से अंदर पता नहीं कब आए। पर चलो कोई दिक्कत नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कोई अंदर नुकसान नहीं करा, कपड़े उपड़े नहीं लिए। सो अभी चलते हैं बाहर। रियान की मेरे पास में कॉल आई थी, लाइट आके ज़्यादा, हाँ रियान की मेरे पास में कॉल आई थी कि भाई चल रहे हैं घूमते घामते, थोड़ा मार्केट चलेंगे, ऐसे रियान को शायद से मार्केट में कुछ काम है, सो थोड़े बाल बाल सही करते हैं और चलते हैं। सो अभी रियान भी साथ में आ गया, मैं रियान से पहले यहाँ पे आ गया था, और अभी हमारी जो वीडियो है आपको दिखा देता हूँ, ये फ्लैश कैसे ऑन हो गई। हाँ सो ये वीडियो अभी अपनी अपलोड हो रही है, अभी इसमें मतलब थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि हमारे पास वाईफाई नहीं है फ़िलहाल। ये देख लो रात के बाद ये हमारी वीडियो आएगी, वैसे जब तक हमारी जो मीडिया जब तक मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूँगा तब तक आप पहले वीडियो देख चुके होंगे, सो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो अपलोड हो जाएगी 6 बजे। और सॉरी यार वीडियो लेट आ रही है, अभी एक दो दिन बाद, मतलब अभी नहीं, एक दो दिन बाद जैसे मतलब रूटीन बन जाएगा तो मैं मॉर्निंग में वीडियो डालनी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 4 बजे उठना शुरू करूँ, मतलब समझ लो ना चीज़ को कि वीडियो टाइम पे आए और मतलब लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। सो भाई अभी जिस काम के लिए हम गए थे वो काम करके आ चुके हैं, रियान आगे चल रहा है थोड़ा, तो अभी वापस जाते हैं घर और शूज़ पहनते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि बस बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश कभी पड़ सकती है, तो रनिंग करने जाएंगे या नहीं आपको ब्लॉग में बता देंगे। तो चलते हैं पिछले घर की साइड वैसे। सो भाई मैंने अपनी साइकिल रियान के घर पर पार्क की हुई थी, और यार रियान चल ठीक है रियान ओके बाय। एक मिनट चल ठीक है बाय। सो गाइस अभी मैं घर पे आया था शूज पहनने के लिए, मैंने टी शर्ट भी चेंज कर ली है, सो अभी इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक कर देना। बंदर हमारे घर में आ गए थे पर कोई दिक्कत नहीं है, सब लाइफ का पार्ट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चलो तरकी।